नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। कुल्हनी उपचुनाव में जातीय राजनीति चरम सीमा पर है। अब हर एक जात के नेता अपने उम्मीदवार के समर्थन में मैदान में कूद रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनजन पार्टी के नेता आशुतोष कुमार ने भूमिहार समाज के नीलाभ कुमार के समर्थन की घोषणा की है, जिससे कुल्हनी उपचुनाव में लड़ाई रोचक हो गई है। अब मुकाबला तिकोनीय दिख रहा है, क्योंकि भूमिहार समाज के नेता आशुतोष कुमार, काटी के विधायक अजीत कुमार ने नीलाभ कुमार के समर्थन में अपनी आवाज़ उठाई है। वीआईपी से उम्मीदवार हैं नीलाभ कुमार। तो मलाह और भूमिहार के समीकरण पर लगातार काम हो रहा है, जिससे कुल्हनी उपचुनाव में लड़ाई रोचक हो गई है। क्या रहेगा कुछ आशुतोष कुमार का स्टैंड कुल्हनी चुनाव में? सबसे पहले तो आज के इस प्रेस वार्ता में आए आप तमाम मीडिया साथियों का हार्दिक अभिनंदन है और क्षमा प्रार्थी भी हूँ निर्धारित समय से 1.5 घंटे की देरी से आने के लिए, चूँकि जाम में फंसा रह गया। अभी कुल्हनी पर जो आप जो सवाल किए हैं, तो हमने विगत 1 सप्ताह पहले ही इस बात को स्पष्ट किया है और मीडिया के माध्यम से ही अपना पक्ष रखा है। और चूँकि वहाँ जो वीआईपी ने उम्मीदवार उतारा है वो विगत 5 वर्षों से हमारे संगठन के सदस्य रहे हैं और दिल्ली में जब वो इंडिया टुडे ग्रुप में काम करते थे, वो भी मीडिया में काम करते थे, तो अपने संगठन के प्रवक्ता के तौर पर भी वो काम कर चुके हैं। तो ये हमारा दायित्व तो बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि यदि हमारे कोई भी साथी जो हमारे शुरुआती दिनों में संघर्ष में साथ रहे हैं और उन्हें किसी दल से यदि टिकट मिला है तो उनका हम लोग, या निर्दल भी लड़ते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनका सहयोग करें, उनका समर्थन करें और डोर टू डोर जाकर जितना अधिक से अधिक हो सके उनके पक्ष में हम लोग मतदान करने को लोगों से आग्रह करें। लगातार भूमिहार को